हेलो एवरीवन, आई एम संदीप बैंस। आई होप गाइज यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे फेस पर पिंपल क्यों होते हैं और हम इसे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, हमें अपने फेस पर क्या क्या यूज करना चाहिए। मोस्टली अब लॉकडाउन हो गया है, सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिनिश हो गए हैं एक तरह से। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमें क्या कुछ यूज करना चाहिए अब हमारे फेस पर और क्या कुछ हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्या कुछ हमें अपने डाइट से हटाना चाहिए ताकि हम पिंपल से बच सकें। तो अब हम बात करते हैं हमारे फेस पर जो पिंपल्स हैं क्यों होते हैं। फर्स्ट, हार्मोन इनबैलेंस की वजह से तो सभी को पता है कि पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो वेदर चेंज हो गया है, मोस्टली गर्मी के कारण समर्स में मोस्टली सभी के पिंपल होना नेचुरल है, ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। मोस्टली अब सभी के वेदर चेंजेस की वजह से पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऑयली फूड ले रहे हैं तो आपको ऑयली फूड एकदम से अवॉइड करना पड़ेगा ताकि आपके पिंपल्स कम हो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें टी और कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, जिसके साथ हमारे फेस पर पिंपल्स भी होते हैं, हमारे फेस पर डार्क सर्कल होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो आपको कॉफी और टी को एक बार अवॉइड करना पड़ेगा। समर्स के टाइम जो भी टी और कॉफी है, हम इसे कम लें तो ये ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, जो हमारे फेस पर जो पिंपल होते हैं, इसका मोस्टली कारण सन रे भी है। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइजर यूज करना इम्पॉर्टेंट है। अभी से समर स्टार्ट हो गए हैं और हमारे फेस पर जो सन रे की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं, अपने बालों को वॉश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो अपने बाल है आगे की तरफ लेकर हमें वॉश नहीं करने हैं, और हमें अपने बाल हैं जो इसी कंडीशन में इसी तरह से वॉश करने हैं। जो शैम्पू होता है उसमें कई तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, अगर वो हमारे फेस पर आता है तो उसकी वजह से भी हमारे फेस पर पिंपल्स हो सकते हैं। सो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो शैम्पू है वो आपके फेस पर ना आए, आपके जो बालों को जब आप वॉश कर रहे हैं आपको पीछे की ओर करके ही वॉश करना है ताकि आपके फेस पर बिल्कुल भी शैम्पू ना आए। तो इस वीडियो के लिए मैंने कई टॉपिक नोट करके रखे थे, तो जो भी मुझे याद आए वो यही टॉपिक थे। और हमें क्या कुछ चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ चीजें हैं जो हमारे फेस पर न आए ताकि हमारे फेस पर पिंपल ना हो। इसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, मैंने इसके इतने ही पॉइंट नोट किया। अगर कोई एक आधा रह जाएगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगी, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें क्या कुछ चीजें हैं जो हमें अपने फेस पर यूज करनी चाहिए जिससे कि पिंपल ना हो, हमारा जो फेस है वो क्लीन रहे। अगर आपके पिंपल फेस पर है भी तो हमें क्या कुछ यूज करना चाहिए उस वक्त। और मोस्टली लॉकडाउन की वजह से आपके भी प्रोडक्ट फिनिश हो गए होंगे, तो आप इन चीजों को घर पर होम रेमेडीज को भी यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आपके फेस पर पिंपल नहीं होंगे। अगर आपके पिंपल्स हैं तो रिड्यूस हो सकते हैं। आपके फेस पर पिंपल्स हैं, हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, इसके लिए जो मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट किए हैं वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी कि आपको अपने फेस पर क्या कुछ यूज करना चाहिए। मोस्टली सभी के घरों में एलोवेरा जेल जो अवेलेबल होते हैं, जो आपने एलोवेरा का जो छोटा सा पेड़ होता है, जो पौधा होता है, आई होप वो सभी के घरों में होगा। समझ में, हमारे फेस के लिए जो एलोवेरा जेल है काफी ज्यादा अच्छा होता है। आप एलोवेरा की जो लीफ है उसे हम उसकी जो जेल है उसे हमारे फेस पर भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी के घर में एलोवेरा जूस अवेलेबल है तो आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, अपनी डाइट में रख सकते हैं, जिसके साथ आपका जो फेस है ग्लो करेगा। आप अपने फेस पर भी एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। जो टोमेटो होता है वो भी हमारे फेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो एक ब्लीच का काम भी करता है, हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। क्या करना है आपको, टोमेटो को लेना है, उसका जो जूस है हमें अपने फेस पर यूज करना है और उसे आपको एक घंटा लगा के रखना है, उसके बाद आपको वॉश करना है। टोमेटो का जो जूस होता है उसके साथ भी हमारी जो स्किन है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट स्टेप एलोवेरा, सेकंड टोमेटो, और अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप। नेक्स्ट, जब भी आप धूप में जा रहे हैं, तो मोस्टली अब आप कम जा रहे होंगे धूप में लॉकडाउन की वजह से, तो अगर आप धूप में जा रहे हैं
तो हमें सनस्क्रीन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम SPF 50 होना चाहिए। अगर आप घर में भी रह रहे हैं, हम थोड़ा बहुत धूप के टच में जाते हैं, देन हमें जो 20 SPF वाला जो सनस्क्रीन है यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सन रेज होती हैं हमारे फेस को डैमेज करती हैं, सो हमें जो सनस्क्रीन है इसे यूज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। सनस्क्रीन हमें अब यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अब सनस्क्रीन अवेलेबल नहीं है, देन आप क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप आपको कोकोनट ऑयल की लेनी है, उसमें 3 से 4 ड्रॉप हमें एलोवेरा जेल यूज करना है। दोनों को मिक्स करके अच्छे से अपने फेस पर यूज करना है, जो एक तरह से सनस्क्रीन का काम करेगा। आप सनस्क्रीन लॉकडाउन में इस तरह से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा समर्स में। अगर आपके फेस पर कोई पिंपल हो जाता है और आप वैसे भी डेली रूटीन में, आप क्या कीजिए, एक आपको बर्फ का पीस लेना है, बर्फ आइस का पीस लेना है, और उसे आप किसी भी कॉटन स्टफ में थोड़ा रैप करके अपने फेस पर एक बार जरूर यूज कीजिएगा, जिसके साथ दिन में एक बार आप जरूर यूज कीजिएगा, जिसके साथ हमारी जो स्किन है वो थोड़ा रिलैक्स होगी। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो उनकी जो इरिटेशन है कम होगी, और आपको बर्फ यूज करना चाहिए समर्स में अपने फेस पर। और नेक्स्ट आता है, अगर आपके फेस पर पिंपल्स आ गया है, देन आपको क्या करना है, आपको जो ये स्टेप है ये रात को यूज करना है, वो है कोलगेट। आपको लेना है कोलगेट और जहां पिंपल्स है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक ड्रॉप जो कोलगेट होता है उसका यूज करना है, 1 घंटा रखना है, और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं, जिसके साथ आपका जो पिंपल्स है वो नीचे बैठ जाएगा। सो आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके फेस पर 1-2 पिंपल है देन आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टोनर। मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से सभी के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो फिनिश हो गए होंगे, मेरे हो गए हैं, तो मैं आपको एक टोनर सजेस्ट करूंगी, जिसकी जो भी स्किन है ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जो ये स्टेप है सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास टोनर है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में एक टोनर बनाना भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास रोज वाटर है आपको लेना है रोज वाटर, और आपको लेना है कुकुम्बर को आपको अच्छे से ग्राइंड करना है, और जो कुकुम्बर का जूस बन जाएगा और जो रोज वाटर होगा दोनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। किसी स्प्रे बोतल में आप डालकर रख सकते हैं। जो ये हमने लाइक टोनर बनाया है इसे हम 1 मंथ तक सेव करके रख सकते हैं, इसे आपको रखना है फ्रिज में। तो आपको इसे दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं, मोस्टली आपको इसे रात को यूज करना है। दोनों को अच्छे से शेक कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। ये अच्छा टोनर बन गया है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो ये जो टोनर है काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने भी इसे यूज किया और मैंने भी इसे बनाया है, तो आप इस टोनर को यूज कर सकते हैं, आपके फेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो ये टोनर है हमारे फेस का जो pH लेवल है इसे सेट करके रखेगा। नेक्स्ट आपको मैं एक इम्पोर्टेंट सी बात और बताना चाहती हूँ। जब आप अपने फेस को वॉश कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपने फेस को किस तरह से ड्राई करना है, लाइक आपको अपने जो फेस है उसे पैक ड्राई करना है। टॉवल को ले लीजिए, लाइक इस तरह से टॉवल के साथ अपना जो फेस है ड्राई करना है, पकड़ के हमें इस तरह से घिसाना बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ हमारी जो स्किन है इरिटेट भी हो। सो ये थे पॉइंट, कुछ हमें अपने फेस पर क्या कुछ यूज करना चाहिए और क्या कुछ यूज नहीं करना चाहिए, ये कम्प्लीट हो गया है। तो अब हम यूज करते हैं कि हमें डाइट में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे कि हमारा फेस है वो ग्लो करे। तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे पानी। पानी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिन में कम से कम हमें 6 से 7 लीटर पानी पीना है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। जो हम लाइक जब हम पानी पी रहे हैं तो नेचुरली हमारे फेस पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, पिंपल्स कम होंगे, एक्ने कम होंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड ऑलरेडी अपने आप रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं मोस्टली जो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, 6 से 7 लीटर पानी आपको पीना बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो मैं इन दिनों कम से कम 7 से 8 और 8 से 9 लीटर पानी पी रही हूँ और मुझे उसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो
अगर आप कुछ और नहीं ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम आपको पानी है वो 6 से 7 लीटर पीना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा पीना चाहते हैं तो ये आपकी विश है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है उसे फेस पर यूज मत कीजिए, वो अपनी डाइट में रखिए। रोज का 1 कैप्सूल लीजिए जिसके साथ हमारे फेस पर नेचुरली एक ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, जिसके साथ आपकी जो स्किन है, जो भी इन्वायरमेंट से हमारी जो स्किन है डैमेज होती है उसके लिए विटामिन जो सी है सबसे ज्यादा अच्छा है। लाइक सनरे के साथ हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, पोल्यूशन के कारण हमारी जो स्किन डैमेज होती है उसके लिए हमें यूज करना है विटामिन सी। मोस्टली जो विटामिन सी की पिल्स हैं इजिली मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं ये मोस्ट आपको सजेस्ट करती हूँ कि विटामिन ई विटामिन सी की जो पिल्स हैं आप लेना स्टार्ट कीजिए। लाइक एक जो संतरे की पिल आती है, मीठी जो गोली आती है, उसी तरह की ये खाने के लिए होती है विटामिन सी। तो मैं सजेस्ट करती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉकडाउन के टाइम भी जो ये पिल्स हैं अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मोस्टली आप इन पिल्स 2 पिल्स का मोस्टली यूज कीजिए और 1 आयरन। ये जो 3 पिल्स हैं बहुत अच्छी हैं, मैं सजेस्ट करती हूँ आप इन्हें जरूर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मैं नेक्स्ट जो आपको पॉइंट सजेस्ट करूंगी वो है खीरा। खीरा मीन्स कुकुम्बर, जिसका जूस हमें टोनर में यूज करना है। मोस्टली आपको रोज दिन में 1 खीरा खाना, कुकुम्बर खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुकुम्बर है, जो खीरा है वो हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हमारी जो स्किन है वो ग्लो करना स्टार्ट करती है, हमारे जो बॉडी में पानी की कमी होती है वो सेट हो जाती है। सो आपको कुकुम्बर लेना बहुत अच्छा है, इसके साथ हमारा जो वेट है वो कम होता है, फेस पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है और हमारी जो बॉडी है वो शेप में आ जाती है, और जो ये कुकुम्बर है हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। सो इन चीजों को रखिए आप अपनी डाइट में। जो भी मैंने आपको पॉइंट नोट आउट करवाए हैं आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिए, जिसके साथ आपकी जो स्किन है इसको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो ये थे मेरे जो भी मैंने टॉपिक्स मैंने नोट किए हुए थे, तो मैंने ये सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा और इनके साथ जो आपको रिजल्ट मिलेंगे मेरे साथ प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले हैं। सो जो मेरा आज का वीडियो था ये मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला था, प्राची रॉय 3434। थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे ये सजेस्ट किया है, तो ही मेरे दिमाग में जो ये क्वेश्चन है कि आया है कि पिंपल क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। जो ये सारे के सारे पॉइंट है मैंने एक बार तो क्लियर कर दिए हैं, अगर फिर भी कोई रह जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगी और आप प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके इनके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मेरे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बेंस मेकओवर के नाम से। सो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा ताकि मैं उन टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर सकूं। सो या थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे होम स्टे हेल्दी।